दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो या फिर एक आप YouTube चैनल खोले हुए हैं, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए लेकिन आपका 4000 वाचिंग पीरियड और 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो बहुत सारे सवाल आते हैं, चैनल को डिलीट कर दिए जाएंगे, YouTube की तरफ से चैनल को डिलीट कर दिए जाएंगे या फिर चैनल को बंद कर दिए जाएंगे या फिर फ्रीज कर दिए जाएंगे, कुछ इस तरह का सवाल करते हैं कि चैनल में जितने सारे 4000 वाचिंग पीरियड है फिर बनाना होगा, बहुत सारे लाखों लाख सवाल उत्पन्न होते हैं। ये सारे सवाल का एक जवाब है दोस्तों, लगे रहिए हमारे ये इस वीडियो में ताकि आप को जितने सारे डाउट है क्लियर हो जाए। और अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा ताकि हम इस तरह का YouTube संबंधी जितने सारे वीडियो है यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप सब देख रहे हैं CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक कहावत है, अगर कौवे किसी को कान को लेके भागते हैं तो हमें सबसे पहले अपना कान को देखना होगा, बल्कि कौवे को हमें पीछे नहीं करना है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं जो भी सवाल करते हैं वो सवाल में दिमाग नहीं लगाना है, बात अच्छी तरह समझिए। वहां पर YouTube क्या कहते हैं, YouTube कहते हैं कि एक साल के दौरान में, एक साल के पीरियड में आपको 1000 वाच टाइम पीरियड आपको वहां पे गेन करना है, सॉरी 4000 वाच टाइम पीरियड गेन करना है और 1000 सब्सक्राइबर गेन करना है। दोस्तों, सबसे सवाल उठता है कि वाच टाइम पीरियड, क्योंकि वाच टाइम पीरियड सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक साल के पीरियड में 4000 वाच टाइम पीरियड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप एक चैनल खोले हुए हैं, चैनल आपको 2021 साल में खोले हुए हैं, तो 2021 से 2022 तक में आपको 500 आवर्स वाच टाइम पीरियड हुए। फिर 2022 से लेके 2023 तक में अगर आपको 1500 वाच टाइम हुए, ठीक है, तो 2021 से लेके 2023 तक के पीरियड, आपको 2 साल के पीरियड में आपको 1500 वाच टाइम हुए। तो वहां पर YouTube क्या करते हैं कि 2021 से लेके 23 तक में 2 साल के दौरान में 1500 वाच टाइम हुए, तो क्या करते हैं, तो 22 से लेके 23 तक में जितने वाच टाइम हुआ है वो वाच टाइम आपको 1000 आपको गेन करना है। आपको 1500 आवर्स वाच टाइम पीरियड है, उसमें से 21 से लेके 22 तक के 500 वाच टाइम पीरियड आपको कट कर देंगे, तो 22 से लेके 23 तक, 2022 से लेके 2023 तक में आपको 1000 वाच टाइम पीरियड आपको कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट हो जाता है तो YouTube क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन कर देते हैं। कोई भी लोग कहते हैं कि चैनल आपको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या चैनल को रिमूव कर देंगे या चैनल को फ्रीज कर देंगे या फिर हमें फिर 4000 वाच टाइम पीरियड गेन करना होगा, सरासर बिल्कुल गलत है दोस्तों। बात यही है, फिर एक बार समझ लीजिए कि जब से चैनल आप शुरू करते हैं तब से वाच टाइम क्या होता है, व्यूअर देखते हैं, वाच टाइम बढ़ते हैं, तो जितना दिन के पीरियड में, मान लीजिए 2 साल या 3 साल के पीरियड में आपको 2 साल तक में अगर आपको 1000 हुए और दूसरे से तीसरे साल में आपको 2000 हो गए, 1000, तो आपको 1000 माइनस करके फिर 1000 बच जाता है, तो चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो मेन बात ये, बुंदा मेन टॉपिक यही है दोस्तों कि आप जब भी चैनल शुरू कीजिए वो एक साल के पीरियड के दौरान में सब काट करके 1000 वाच टाइम पीरियड यहाँ पे लाना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि YouTube ने किसी का चैनल को डिलीट किया हो या किसी का चैनल को, अगर वाच टाइम के वजह से किसी का चैनल को डिलीट किया हो या फ्रीज किया हो या चैनल में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं देते हैं, हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, अगर आप किसी को कॉपीराइट कंटेंट कर देते हैं, अगर आप किसी कोई भी इलीगल वर्क कर देते हैं तो वहां पे कॉपी स्ट्राइक आता है, ठीक है, कॉपी गाइडेंस आते हैं, कॉपी स्ट्राइक आते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप कहते, कोई भी कहता है कि चैनल में वाच टाइम पीरियड 1 साल में नहीं हुए तो चैनल को डिलीट कर दिए जाएंगे या फ्रीज कर दिए जाएंगे या किसी तरह का आपको चैनल संबंधी कोई आप मोनेटाइजेशन नहीं होगा, वो सरासर गलत है दोस्तों। तो समझ में, आज का ट्यूटोरियल समझ में तो आ गया होगा वाच टाइम पीरियड का सवाल। तो आज का ट्यूटोरियल था कि जिसकी 1000 वाच टाइम पीरियड, 1 साल के पीरियड में हम किस, इसका मतलब क्या होता है लोग नहीं जानते हैं, तो इसके साथ साथ नहीं जानते थे, तो इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहाँ पर खत्म होता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं सोल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।